मैंने छुपाया है अपने पास एक लाल झंडा, जो उससे लटाएगा ढूंढकर वो ही होगा उसने पुलिस ऑफिसर। लेकिन मुझे ढूंढना इतना आसान नहीं, मैं हूँ इस दुनिया का सबसे डेंजर शहर। बताओ कौन हूँ मैं? क्या तू स्कूल में कुछ सीखा होगा ना? जल्दी दिमाग की बत्ती जलाए। क्या बत्ती? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वो तो डेंजरस होता है ना, शॉक लग सकता है। ब्रेक टाइम बच्चे, आ जाओ, गरम गरम समोसा कोल्ड ड्रिंक खा लो। गरमा गरम समोसे, ये। अरे नहीं नहीं, उससे बात मत करना। मुझे दो समोसा देना, बहुत भूख लगी है। मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अरे रुको रुको सब। पेनल्टी टू आर्या टीम। अपने टीम मेंबर्स के अलावा आप लोग किसी से भी बात नहीं कर सकते, रूल है, पता है ना? आप लोग को एक मिनट की पेनल्टी लगेगी। आपकी पेनल्टी अभी खत्म होती है, मूव। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी लास्ट क्लू है। अभी को एक ऐसी चीज ढूंढो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, ढूंढो। चल तन में, चल जल्दी कर, मेरा बेटा ही जीतेगा। ओके टीम आ रहे हैं, आपकी पेनल्टी खत्म। फाइन। जल्दी करो आर्या, हमारी टीम को आज जीतना ही है। बेटी और टीम दोनों प्रैक्टिस मैच जीत गए। सही, ये तो सिर्फ सही 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 मना, तेरी टीम जीत गई अंकुश, पर तू फिर से हार गया। अंकुश, अगर आर्या ऐसे ही खेलती रही तो उसे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आज उसने बहुत अच्छी टीम स्पिरिट दिखाई है जी, और काफी क्लूज भी डिकोड किए हैं इसने। आई थिंक टुडे शी वाज द बेस्ट। शी वाज, शी वाज।
बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है अंकुश और अंकिता में, कुछ तो गड़बड़े। अरे ये आर्या इतना काय को फुदक रही थी? वो पूरे गेम में तो दिन करके लड़के ने सब कुछ किया ना, तो उसको काय को उबाला रहे मैं क्या मालूम। हमारी टीम जीती है, क्या ना अकेले नहीं किया। अरे जो हारता है ना वो ऐसे ही बोलता है। एरा? अरे जो लड़के ने जो बच्चे ने ज्यादा क्लू का जवाब दे के जास्ती पॉइंट लिए वही जीतने का ना बराबर। अभी तू देखना कल ये क्या है ना, ऐसे ही पॉइंट लेके आगे निकल जाएगा और फिर तेरे को जाना पड़ेगा सुधर कर। लाइफ में ऐसे होता ही रे, ये छोकरे लोग क्या है ना, ना बस की बात है, ना ट्रेन की बात है, ना ऑटो रिक्शा की बात है, समझी क्या? Congratulations, बहुत अच्छा खेले तुम। Give me high five. शाबाश। You also, बढ़िया। एक क्या तूने आखिरी जवाब देकर गेम जीतवा दिया? अरे मेरे साथ आ। आज तो विनर हो गया मेरा शेर। सबको हरा दिया रे तूने तो। एक क्या ने एक बार मेरा नाम तक नहीं। अब्बा। डिवाइड आणि रूल, फुट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने सालों तक किया अपने ऊपर, अभी सत्य बहु करेगी। ये छोकरी है ना कल टीम को लीड करेगी उनको हराने के लिए, और मेरा लड़का है वो बिना कुछ किए भोपले जीत जाएगा। ये लो जलेबी लो। तुम लो, दो लो, तुम भी लो। बताइए सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम सब बहुत ही अच्छा खेले हो, बड़ा मजा आ गया। इतना अच्छा खेले हो एज अ टीम। मेरे बाबा ने भी शाबाशी दी मुझे काका। ऑफ कोर्स देंगे ना, आज के हीरो जो हो तुम। कल भी ऐसे ही जीतना है हमें क्या? कल भी तो ऐसे ही खेलना और हम सबको जिताना, हमारा लीडर बन के। मैंने इतनी मेहनत की पर क्या ने मेरा नाम तक नहीं लिया, थैंक यू भी नहीं बोला। चुपकास पापा ने कहा वैसे वो अकेला ही सारी शाबाशी ले जाएगा। क्या खेल खत्म मैं करूं और लड्डू जो वो करे? देखा क्या, तीर सीधा जाके निशाने पे लगाए। अभी देख, जो समझदार होता है ना, शहाना होता है ना, वो निशाने को देख के तीर चलाता है, और जो ज्ञानी होते हैं वो नहीं दिखने वाले निशाने के ऊपर निशाना ताकता है। अभी देख, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे को जिताने के लिए कर रहा हूँ। अभी किसी की मजा ले वो ऐसा सोच पाए कर पाए? अरे वो ये तेरी एड़ी आई है, वो खाली है पूरा, उसका अक्कल ही नहीं उसको। हंसाती तेरे को आज वो, उसको क्या लगता है ये जाके कोई भी जज को खरीदना बसाता नहीं क्या? अरे पकड़ा जाता तू, वांडे लग जाते तेरे। ए मेरे को एक बात बता, तेरे को आई के जैसा नाकारा बनने गई क्या? नहीं बाबा, मुझे आई जैसा नहीं बनना। एक बात बताऊं, आज जो तुम सब इतना अच्छा खेले हो, सबसे ज्यादा खुश कौन होगा पता है? तुम सब की आई, मतलब आई जहां भी होती है ना वहां से अपने बच्चों को देखती रहती है, उन पर नजर रखती है। पापा के पास हो तो भी, और आई क्या करती है, आई अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती है, तो तुम्हें भी वैसे मेहनत करनी है एक साथ इस कॉन्टेस्ट के लिए, इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। अब कल ना ठीक ऐसे ही खेलना हमें, एक साथ एक टीम बनकर एकजुट होकर। अरे बाबा
वो आपने मुझे एक बार कहानी सुनाई थी, वो लायन वाली। हाँ हाँ ना, लायन और वो चार बैल थे, वो वाली। मैं इनको बताता हूँ। हाँ। तो एक बार ना, एक जंगल में एक लायन होता है, शेर, बड़ा खूंखार होता है, बड़े बड़े पॉज है उसके, और ना उसकी नजर है कि उसको एक बैल को खाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, वो बैल अकेला नहीं है, वो ग्रुप में है, चार लोगों के झुंड में, और वो चार लोग ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लाइक अ टीम। तो जहां भी जाते हैं साथ में जाते हैं, तो जो लायन है ना उन पे अटैक नहीं कर पाता, उसको खा ही नहीं पाता। फिर एक दिन होता क्या है कि वो जो चार बैल थे ना, उनमें से दो के बीच में लड़ाई हो जाती, अनबन हो जाती। फिर उसके कन्फ्यूजन को लेकर दूसरे में भी, नहीं उसने ऐसे बोला था, उसने ऐसे ऐसे ऐसे, सब फाइट करने लगते आपस में, और सब एक दूसरे से रूठ जाते हैं। फिर क्या होता है पता है, लायन एक एक करके सब बैल को एक तरफ मारते और शिकार करते है अपना। जो शिकार नहीं बन पाता है ना, वो शिकार बन जाता है जाके। तू भी शिकारी बन, अभी सोच थोड़ा सा, दिमाग लड़ा और बता। मैं शिकार नहीं बनूंगा बाबा, शिकारी बनूंगा आपके जैसा। आज जो है उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से फुल ट्राई। शाबाश, अभी थोड़ा सा दिमाग लड़ा और सोच के मेरे को बता जिसका जवाब। आज ये कंपटीशन हुआ तो उसमें आर्या की टीम जीती, किसकी वजह से जीती? वो एकलव्य। सही बोला। अभी एकलव्य का इस्तेमाल कर, तो अभी क्या करने का है? अपने नहीं, उसके दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी टीम को जिताना है। तो अभी आगे है ना, एकलव्य का इस्तेमाल कर उसकी एकता को तोड़ और कॉम्पिटिशन को जीत। अपने माँ के पल्लू से निकलने का टाइम आ गया है तन्मय राज्य बढ़कर। तो हमेशा याद रखना, ये जो अपना हाथ होता है ना, उसमें अगर एक उंगली होती है ना, तो एक उंगली ऐसे टूट सकती है, लेकिन जब सारी उंगलियां एक साथ हो जाए तो वो बन जाती है मुट्ठी, फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हम सब मुट्ठी और आर्या हमारा अंगूठा। जैसे मुट्ठी अंगूठे के बिना कुछ नहीं कर सकती, हम भी आर्या के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप लोग खाओ बाबा, मैं आता हूं। खाओ खाओ बेटा। सही, बुखार है ना तुम्हें जई? तुम इस कंपटीशन का कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले रही हो, बीमार पड़ गई तो कैसे चलेगा? हम एक काम करते हैं, हम इस कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं। क्या जरूरत है हिस्सा लेने की? कोई जरूरत नहीं है। नहीं आई, मैं कॉन्टेस्ट से बाहर नहीं हो सकती। अगर मैं कॉन्टेस्ट से बाहर हो गई ना, तो वो बाबा की दूसरी बेटी बिना लड़े जीत जाएगी। वैसे भी बाबा उसकी तरफ है। नहीं आई, मैं कॉन्टेस्ट से बाहर नहीं होंगी। और अगर वो जीत गई ना, तो बाबा मुझसे और दूर हो जाएंगे। सही, मैं जानती हूँ तुम आर्या को पसंद नहीं करती, लेकिन याद रखो उसी ने तुम्हें गिरने से बचाया है। वो तो सबको दिखाने के लिए, ताकि वो सबके सामने हीरोइन बन सके, और कुछ नहीं है। जिद नहीं करते सही, वो भी तो जिद्दी है नाई। अब मैं भी अपनी जिद दिखाऊंगी, मैं ये कॉन्टेस्ट जीत के रहूंगी। और अगर मैं कॉन्टेस्ट हार गई ना, तो मैं बाबा को भी हार जाऊंगी। नहीं आई, मैं कॉन्टेस्ट जीत के ही रहूंगी।
पर मैं बाबा को हार जाऊंगी, मुझे कॉन्टेस्ट जीतना ही होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, खेलना है कॉन्टेस्ट, लेकिन पहले आराम तो कर लो। हाँ, मैं काढ़ा लेकर आती हूँ। हाँ आई। हाँ आई, बाबा को मत बताना प्लीज कि मुझे बुखार है, वरना वो मुझे कॉन्टेस्ट में पार्ट नहीं लेने देंगे। प्लीज आई, प्लीज वादा करो। प्रॉमिस। बुखार में तड़प रही है बिचारी, देखा ना तूने, और वो एड़ा खुश उसका बाप, वो अपने दूसरे वाली बच्ची के साथ खुशियां मना रहा है जीत की। अरे दूसरा वाला जो मेन फाइनल कंपटीशन है ना, वो तो अभी तक आया नहीं है, उसको लेके क्या मर जाएगी क्या ये सोच सोच के? मेरे साथ में है ना एक लड़का काम करने का, दो औरत होने की उसकी, पहले वाली से एक बच्चा था, लेकिन वो बोलते ना लव हो जाता है, वो ना आदमी है ना निकल के चले गया दूसरी वाली के साथ रहने को। क्या हुआ मालूम है? तो बिचारी बच्ची हमेशा बुखार में रहने की, परेशान रहने की, अपने बाबा को मिस करने की, और एक दिन ऐसे ही मिस करने करने में ना वो खुद मिसिंग हो गई। थे ताकि हमारे मुट्ठी टूटे और हम हार जाएं। इक्या मेरा दोस्त है, वो कभी मेरे लिए बुरा नहीं सोचेगा। कितने बड़े झूठे हो आप! मुझे इक्या के खिलाफ भड़का रहे थे। वो दोस्त है मेरा, वो टीम के लिए खेल रहा था, वो हमको जिता रहा था। वो मुट्ठी है, हम कभी नहीं टूटेंगे, हम साथ खेलेंगे, साथ जीतेंगे। ये भी मुट्ठी है, इसको भी तोड़ सकते, खोल सकते, दिमाग से या तो बल से, समझ में आया तेरे? तो एक काम कर, तू खेल अपना टीम वाला गेम खेल, कल एक क्या है ना वो एक टच ही खेलेगा एलोन, फिर तू कल हारेगी ना तब तेरे अकल में आएगा। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, हम एक टीम है और हम जीतेंगे। अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तू है ना हारने वाली है, मतलब कि हारने हीच वाली है, तू जीत नहीं सकती है। और देख, अगर तू हारेगी ना तो तेरे को सुधार घर जाना पड़ेगा। तेरे को मेरी बात पे भरोसा नहीं है? एक मिनट इधर ही रुक। ए बेला, ए इसको बता कि ये कंपटीशन नहीं जीत पाएगी, बोल इसको। कॉन्फिडेंस तोड़ दे इसका, ये सुधार घर जाने से मरने वाली है, लेकिन अगर ये यहाँ पे रही तो अपनी जय जरूर, समझ रही है? कैसे बंद हुई तो अंदर? आर्या ने, और उसने कहा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो आप उसके पापा हो जाओगे। हाँ यार, इतना आसान नहीं है इस कंपटीशन को जीतना। काकी को भी लगता है मैं नहीं जीतूंगी। हो गई तसल्ली, हो गई क्या? अभी तू जा इंतजाम कर कल के गेम का, और वो तेरे टीम वाले है ना वो सबको बोलना तेरा बोरिया बिस्तर बांधने में तेरी मदद करेगा। काकी को भी अगर लगता है मैं हारूंगी
तो मुझे एक्या को हरा के जीतना पड़ेगा, वरना यहाँ से जाना पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.